हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको एनर्जी एनर्जी का इंट्रोडक्शन और उसमें फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस किया था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, अगर स्टूडेंट आप इस वर्ड को देख लें तो हमारे पास हाइड्रो मीन होता है वाटर, हाइड्रो मीन होता है वाटर, इलेक्ट्रिक मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी मीन के बिजली, मैं इसको एनर्जी लिख रहा था इलेक्ट्रिसिटी, और पार का मतलब होता है एनर्जी। मीन के वाटर की मौजूदगी में एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या पार बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पे देखिएगा कि पानी जो है इससे बिजली कैसे बनती है। उर्दू में मैं बता दूँ कि इसको हम पन बिजली भी कहते हैं। ऐसी बिजली जो पानी से बने उसको हम क्या बोलते हैं? पन बिजली। ओके, देखिएगा स्टूडेंट, पाकिस्तान में आपको पता है मंगला डैम, रावल डैम, तरबेला डैम, ये डैम है जिनका काम है वाटर को स्टोर करना और फिर वहाँ से बिजली बनाना, वहाँ से फिर जो है वो इसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाना। अब मैं ना आपको थोड़ा सा इसका बता दूँ कि होता क्या है। होता इस तरह है कि मेरे पास ना ये पहाड़ है, यूँ, ठीक है जी, ये मैं पहाड़ बना देता हूँ, ठीक है, अब ऐसे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा सा मैं समझा के फिर इधर एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पे क्या है। देखिएगा इधर, तमाम बच्चे वाइट बोर्ड की तरफ देखें, पीछे ना हमारे पास ये पानी है, ठीक है, सारा पानी है, पानी के आगे इधर पहाड़ हैं, ठीक है, एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, सेंटर से पानी आगे आता है। अब हम क्या करते हैं, दो पहाड़ों के सेंटर में ना नीचे बहुत बड़ा दीवार बना लेते हैं, पानी पीछे रुकना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब पानी का लेवल इस दीवार तक पहुंचेगा तो फिर ऊपर से पानी जब नीचे गिरेगा ना, यहाँ पे हम मशीन लगा देंगे, जब वो यहाँ से पानी को नीचे गिराएंगे, पानी जिस जगह से नीचे गिरेगा, नीचे हमारे पास डिफरेंट टर्बाइन है, जब उनके फ़ैन हैं, जब उनके ऊपर पानी पड़ेगा तो वो फ़ैन घूमेंगे, जब वो घूमेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये रीन्यूएबल एनर्जी है जिसको आप बार बार बना सकते हैं। एक दफ़ा आप पानी को यूज़ करें एक डैम में, वही पानी आगे जाए, आगे फिर डैम हो, वहाँ पे दोबारा उसको इकट्ठा करके फिर दोबारा आप उसको बना सकते हैं इस एनर्जी को, ठीक है। तो अगली बात कि सन की लाइट जब ज़मीन पर पड़ती है, पड़ने के बाद ज़मीन से वाटर अवेपोरेट होता है और वो रेन की फॉर्म में जब पहाड़ों पे गिरती है तो उस वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि असल में रेन के अंदर भी एनर्जी थी, उसने कहाँ से ली थी? सन से। क्योंकि आपने पढ़ा ना आबी बुखारात, वो कैसे बनते हैं, वो सन की लाइट जब ज़मीन पे पड़ती है तो वहाँ से पानी जो है वो अवेपोरेट होता है, ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी पानी के अंदर स्टोर है, जब वो पानी हाइट से नीचे गिरेगा, नीचे टरबाइन को मूव करवाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसको रोटेट करवाएगी? टरबाइन को। किसको रोटेट करवाएगी? टरबाइन को। ओके, तो ऐसे हमारे पास जो है इस वाटर को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स है। इसको मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी और सिंपल सी आपको बता दूँ, ये एक ऐसा मेथड है जो नॉन पोल्यूटेड है। अगर आप फॉसिल फ्यूल को देखते हैं तो फॉसिल फ्यूल में भी एनर्जी मिलती है लेकिन वो पोल्यूटेड है। उसमें क्या होगा कि जब भी आप कंबस्चन करते हैं ऑयल की, मीन के पेट्रोल की, डीजल की, तो उससे बहुत से ऐसे जो है साइलेंसर से केमिकल्स निकलते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को जो है वो पल्यूट करते हैं। लेकिन जो पन बिजली है ना, ये दुनिया में ऐसा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कि जिसमें आप बिल्कुल कोई भी वेस्ट रिलीज नहीं होता, आपका बायोस्फीयर, आपकी एयर जो है वो बिल्कुल क्लीन है।
इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। और ये बंदी कहाँ पे है? डैम के अंदर। पाकिस्तान में मैंने आपको डिफरेंट डैम के बारे में बताया है, मैंने पर्सनली तीनों डैम्स को विज़िट किया हुआ है, मंगला को, तरबेला को, रावल को। उसमें यही है कि जब हमारे पास मीन के पहाड़ों से पीछे पानी आ रहा है, आप पहाड़ों को आगे बंद करते हैं, जब बंद करते हैं तो पानी का पीछे लेवल बढ़ता जाता है, जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो फिर टरबाइन मोटर मोटर जो है वहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, उनके ज़रिए पानी नीचे गिरेगा, आगे नीचे टरबाइन है, टरबाइन जब फ़ैन के ऊपर लाइट वो पड़ेगा पानी एक धार की तरह, तो वो क्या होंगे, फ़ैन ऐसे रोटेट करेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा और आगे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हमारा मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो एनर्जी का सेकंड मेथड जो आपको मैंने बता दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट जो मेथड है स्टूडेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए थैंक यू।